अंडा दिया नेस्ट वेस्ट प्रॉपर बनाने के बाद जो है ना इन्होंने अंडा दे दिया। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, साथ साथ 12 से अभी तक इसने अंडे दिए, अंडे तो दिए हैं लेकिन अब बच्चे अच्छे क्या निकलेंगे सीजन चेंज हो रहा है, मादी वो देखते हैं, मादी की पोजीशन है क्या, अंडे दिए हैं इत्तेफाक की बात। इसके अभी फ्लो पर रहेगा, ये तो भाई माशाल्लाह से पूरा बड़ा हो गया है और आप देख सकते हैं फुल ऑफ एक्टिव है, मतलब इतना ही देखा था मैंने कि भाई बच्चा निकला हुआ, वरना मैं समझता इसने अंडे दिए, लेकिन छोटा था क्यूट सा बच्चा। अच्छा इनके डब के बच्चों का ये कि भाई पता नहीं चल पाता, मतलब पता हो गई माशाल्लाह से इसको अपनी जगह पे रख देते हैं, बच्चा देखिए कितने क्यूट है, दाने इसके भी कुछ निकले हुए लेकिन वदन इसका ठीक है। और भाई तुम ये तो चलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश हो रहे होंगे, अपने भाई की दुआ में जरूर याद करेंगे, आपके भाई को दुआओं की बहुत जरूरत है। दोस्तों आज मैं मौजूद था अपने शॉर्ट वीडियो के बड़े वाले पोर्शन में, और आज सीन ये हुआ कि भाई हमारा जो था कल जो है ना हमारा शहजादी शादी का बच्चा मर गया था, खैर वो आपको मैं दिखा नहीं पाया। शहजादी साहब ये रहे और शहजादी साहब कहाँ हमारी, शहजादी साहब ये रहे, और अभी इन्होंने कह रहा है कि इन्होंने अंडे दे दिए, अंडे तो नहीं अंडा, मतलब अंडे नहीं अंडा दिए आज इन्होंने जो है ना सरप्राइजिंग, देखें ये देखें, ये देखें भैया इन्होंने अंडा दिया नेस्ट वेस्ट प्रॉपर बनाने के बाद जो है ना इन्होंने अंडा दे दिया। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ साथ साथ, भाई देखें ये तो ये रहे शहजादा, शहजादी दाना खा रहे। अच्छा आपको पता है जब हम कुछ दिनों पहले, काफी दिनों पहले बल्कि कुछ दिनों पहले के यहाँ पे रेड टेल और उनके अंडे हुआ करते थे, ये देखें ये हमारा रेड टेल का पेयर है और इनके बच्चे छोटे छोटे निकले थे और माशाल्लाह से आज मैं आपको इनके बच्चे दिखाता हूँ कि कितने बड़े हुए। ये देखें एक बच्चा इनका ये रहा और एक बच्चा इनका ये रहा, इसके अभी फ्लो पर रहेगा, ये तो भाई माशाल्लाह से पूरा बड़ा हो गया है और आप देख सकते हैं फुल ऑफ एक्टिव है, मतलब इतना एक्टिव है कि भाई इतना बड़ा लग रहा है माशाल्लाह से। लेकिन हाँ एक चीज मैं देख रहा हूँ जो कि सही नहीं है, वो क्या कि भाई इनके जो शोल्डर वगैरह पे जो है ना इसके ये देखें भाई, ये मैंने इसको पकड़ा, मैं क्या देख रहा हूँ देखें, इसके आँख के ऊपर हल्का सा ये रेड निशान आ गया और इसकी कमर पे ये जो रेड निशान आया ना ये सही नहीं है। अच्छा ये हम इनको खींचेंगे एक दफा, हो सकता है कभी कभार ऐसा होता चले जाते, बाकी दुम वगैरह माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी आई है, साइज भी इसका बहुत अच्छा है, आप देखते हैं निकलते क्या है। जैसे ये वाला गिरा और छोटा जो है ना, छोटा देखें गिरा, ओए नहीं आया हाथ में, इसको पकड़ता है इधर आओ इधर आओ, छोटा वाला। इसके साथ भी सीन ये है कि भाई इसके दाने वाने कुछ निकले हैं मुझे फील हो रहे हैं, लेकिन ये है कि सैड हो रहा है, चोंच पे भी आप देखोगे दाना है लेकिन ये सैड होने की तरफ जा रहा है। अच्छा वजन वगैरह इसका सही है, टोके की रिपोर्ट है, साइज में थोड़ा छोटा रह गया, ये आपने देखा भी जब भी छोटा दुम इसकी देखें माशाल्लाह जबरदस्त है भाई, इनकी चोंच और पंजे तो इनके माशाल्लाह से बहुत क्यूट होते हैं। तो भाई मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि ये कि इसको आपको दिखा सकें, इन शहजादे साहब की मस्तियाँ आप देख सकते हैं, फुल ऑफ मस्ती में शहजादे साहब हैं जिनकी अपनी मस्तियाँ होती हैं। और इनका ये भी, इनका भी सीन ये भाई दो दफ़ा हो गया इन लोगों का कि भाई ये जो है ना अपने बच्चे को दाना खिलाना एंड में छोड़ देते हैं, और खैर इस दफ़ा तो वो बीमार था, मैंने देखा था ना उसके सांसें वगैरह निकल रही थी, लेकिन कल ये है कि वो मर गया, तो हमारे पास समझ लें शहजादी साहब वो बैठ गए जाके अंडों पे, तो शहजादा का कोई हमारे पास ब्रीड अभी अवेलेबल नहीं है, हालांकि हम चाह रहे थे कि इनके कुछ बच्चे निकले जो हम इनको अपने पास देख सकते हैं, इस कलर का बच्चा निकल रहा था। अच्छा मेरे हाथ में ये मुखी बोलना वाला का रेड टेल्स आपके बच्चे हैं छोटे, था इनको छोड़ देता हूँ ताकि इन्होंने दाना वाना खाना हो अपना। और भाई माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि भाई बहुत क्यूट है, ये देखें दोनों बच्चे हैं, भाई बच्चे पार्टी देखें अपनी जगह पे भी आ गए, तो हम इनको दिखा सकते हैं आपको, ये देखें इधर ही ये बड़े हुए हैं, इधर ही ये मतलब आप समझ लें दाना वाना खाने के बराबर होगा, पूरे प्रॉपर होगा, मतलब ऐसा है कि हफ्ते 10 दिन बाद ये अगर हम चाहें तो इनको क्या कहते हैं सेल आउट भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इनको अलग भी कर सकते हैं, मतलब ये मदर फीड से हट जाएंगे, कहने का मकसद ये है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इंटर होने के बाद के भाई जैसे ये बच्चे बड़े हो गए, कल दुमे का वो बच्चा बाहर निकला हुआ है, और भी कर कर आगे बहुत सारे कबूतर होने को आ गए हैं, बाकी हमारे जो थे क्या कहते हैं मुठी के बच्चे जो डॉन के नीचे हैं वो हुए हुए हुए, आप देख रहे हैं बच्चे को अपनी जगह पे, भाई ये भी मार रहे हैं, इतने से हो तुम पिद्दू से, तुम्हारी हरकतें देखो। बाकी भाई देख सकते हैं आप शहजादे साहब हमारे ये रहे, शहजादी साहब जाके अंडे पे बैठ रहे हैं, दाना वगैरह ये कबूतर खा रहे हैं, वो हमारा रेड टेल ये रहा। और भाई उसके साथ साथ हमारे को वो भी देखना था कि यार मुखी ने वहाँ पे क्या करा हुआ है, जो है ना आपको मैंने दिखाया था कि इनका बच्चा निकला हुआ है, लेकिन क्या फील क्या होता है मुझे भी नहीं पता था, बच्चा कल जो वीडियो बनी थी उसमें ही देखा था मैंने कि भाई बच्चा निकला हुआ, वरना मैं समझता इसने अंडे दिए, लेकिन छोटा था क्यूट सा बच्चा। अच्छा इनके डब के बच्चों का ये कि भाई पता नहीं चल पाता, मतलब पता से बना अंडे से निकलने के बाद ये बैठे रहते हैं इस पोजीशन में होते हैं ना, इससे भी थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं फिर ही हटना स्टार्ट करते हैं, तो माशाल्लाह से भाई हमारे जो डब हैं माशाल्लाह से बहुत क्यूट हैं और इन्होंने माशाल्लाह से ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने तो कर दिए, इनका पता नहीं क्या ये कब करेंगे भाई तुम्हारा क्या है, ये तो बाकी पट्टे ही थे। अच्छा अब हम आते हैं अपने बजरी की तरफ, ये देखें ये साथ भी आगे पीछे घूम रहे हैं, तो ये दोबारा अंडे देने के मूड में, इन्होंने पीछे क्या करा हुआ है, ओए ओए पीछे से याद आया, ये देखें भाई ओए ये क्या है भाई, इतना सा बच्चा ये कहाँ से आया, इधर आओ ओए भाई दोस्तों माशाल्लाह से भाई हमारे मुखी ने जो पीछे मैं बोल रहा था ना केज के पीछे अंडे दिए हैं,
तो भाई माशाल्लाह से इन्होंने ये बच्चा निकाला हुआ है, तो मैंने हाथ पे लिया। अच्छा, इसके पाँव में गंदगी वगैरह लगी हुई, मैं समझता खून है लेकिन नहीं, गंदगी लगी हुई है। तो भाई माशाल्लाह से इसको अपनी जगह से रख देते हैं। बच्चा देखिए कितने क्यूट है, दाने इसके भी कुछ निकले हुए, लेकिन वजन वजन इसका ठीक है। और भाई तुम ये तो चलो वजन वगैरह इसका ठीक है, सेट है ये, और ये लोग दोबारा कहाँगे, ये दोबारा अंडे देने के मूड में। लेकिन इसको मैं अपनी इस जगह पर वापस छोड़ देता हूँ, ऊपर छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से जहाँ ये था, ताकि ये अपनी जगह पर चला जाएगा। वहाँ चला गया, एक ही बच्चा है, दूसरा नहीं है भाई। वाह, इन्होंने सोने में भी भाई ब्रीड कर दी। आप ये देखें, इनकी जो हरकत है ये है कि ये बच्चा इनका भी छोटा है और ये दोबारा जो है ना अंडे देने की पोजीशन में आ रहा है, तो ये भी सही नहीं होता, क्योंकि बच्चे फिर ये होता है कि दाने खाने छोड़ते हैं। वो है भी इतनी दूर है वो बच्चा वहाँ पे, उसको तो मैं ला भी नहीं पाऊँगा कि अगर ज़रूरत पड़ी कि भाई मैंने खिलाना हो तो मैं अपने हाथ से खिला भी शायद ना पाऊँ। उसकी वजह ये कि मुझे फ्री नहीं होगा, तो उसके लिए प्रॉपर मुझे कोई चीज़ ऐसी लानी पड़ेगी जहाँ मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो देखना पड़ेगा, अंडे दे देंगे तो देखना पड़ेगा, लेकिन अंडे तुम लोग कहाँ दोगे भाई? इस दफ़ा अंडे यहाँ मत दे देना, हर दफ़ा इस दफ़ा तुमने याद दिए थे, अब नीचे अपने बॉक्स में अंडे दो, जो पुराना वाला तुम्हारा बॉक्स है वहाँ दो। लेकिन अभी नहीं पता भाई, देख रहे हैं पहुँच गए वहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग भाई। पता नहीं क्या सीन चल रहे हैं, समझ से बाहर है, समझ से बाहर। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, शहजादे साहब को देखें, मस्तियाँ देखें इनकी जरा, कबूतर बहुत सारे सारे दिख रहे हैं मुझे भाई। चलो अच्छी बात है। बाकी बजरी हमारा बड़ा वाला, ये बजरी का पेयर है दोस्तों। आज क्या हुआ भाई, इसने एक दफ़ा अंडे ख़राब कर दिए थे, दोबारा से अभी तक इसने अंडे दिए, अंडे तो दिए हैं, लेकिन अब बच्चे अच्छे क्या निकलेंगे, सीधे चेंज हो रहा है मादी, वो देखते हैं मादी की पोजीशन है क्या। अंडे दिए हैं, इतफाक की बात है, वरना अभी भागिए ना अंदर, मेरे ख्याल से प्रॉपर ये बैठ नहीं भाई। लेकिन इसने अंडे सिर्फ दो या तीन दिए हैं, उसके नीचे भी उसके एकाध हो सकते हैं। तो भाई देखते हैं कि इसके अंडों में से बच्चे निकलते हैं ना, क्योंकि अब जो है ना लोग कहते हैं, वैसे भी इन टाइम पर भंडिया अंडे हैं, चार पाँच अंडे हैं। लोग कहते हैं कि भाई इन टाइमों पर भंडी हटाने का टाइम आ गया है, और अभी बीच में बारिश वगैरह हुई थी, तो बीमारी वगैरह का भी सीन होता है। एक आठ ट्रेन भी हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या हुआ था सीन पार्ट, जो कि सही है या नहीं है, जो भी है। मेल का तो आपको पता है लुक इतना ज़बरदस्त होता है, और हमेशा मेल का लुक तो आपके सामने ही होता है। काफ़ी दिनों बाद मैं इन लोगों से दोस्तियाँ लगा रहा हूँ, पहले मेरे से मेरे पक्के दोस्त हुआ करते थे लोग, अब देखते हैं कि भाई इनको याद भी है या नहीं। तो भाई दोस्तों बजरी की हमारी ये प्रोग्रेस है, बजरी का जो सीन है ना, वो मतलब जैसे वो ब्रीड कर रहे थे अभी कर नहीं पा रहे, तो पता नहीं क्या सीन पड़ रहा है। बाकी कबूतर उसके हमें बच्चे वगैरह माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है, रौनक भी लग रही है, ज़्यादा भी लग रहा है, दाइज बहुत ज़्यादा भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते चीज़ें। खैर फिलहाल तो इनको बड़े होने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है। तो भाई दोस्तों आप लोग जाकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। आपके भाई की वीडियो थोड़ी सी कम कमाने की, तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही, शायद आप लोग फेस देखोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा कि आपका भाई थोड़ा टन चल रहा है। तो भाई दोस्तों आप लोग जाकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा खैरियत से होंगे, प्रोग्राम होंगे, अपने भाई के दुआ में जरूर याद करेंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, जब तक कि अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 के बाद। चलो 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 चलो।